हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए बारिश हो रही है और सुबह का टाइम है। आज तो पूरी रात बारिश होती रही और देखो देव झाड़ू लगाए रहे। देव, ओ देव हाय, तुम्हें देखिए, अभी कह रहे हमें देखिए, अभी को देखिए, कहाँ बैठे आए रे हम। भौरियाँ देखो, अभी भौरियाँ खाए रहे बैठे। हाय बोल दे, अभी गुड मॉर्निंग बोला, अभी अभी बोला जल्दी तेज बोला और तेज। तो देखो अभी घर बन रही बोरियां, अभी खाए रहे बोरियां, दही तो खाए रहे अभी। अच्छा देखो अभी मम्मी बना रही बोरियां, गड्ढा हम दिखाई तो दे नहीं रही आगे आगे। ये देखो अभी आरजू खाए रहे। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और सुबह फिर ब्लॉग बन नहीं पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, फिर पूरे दिन बारिश ही होती रही। इसलिए तो आप लोगों के साथ छोटा सा इवनिंग रूटीन शेयर करेंगे। तो अभी मैं रख रही हूँ आलू उबलने के लिए। आज बनाएंगे आलू की कचौड़ी और मूँग की दाल के मंगौड़े। मूँग की दाल भी मैंने सुबह डाल दी थी। तो पूड़ी बनाएँगे और मट्ठे के आलू बनाएँगे। तो चलिए पहले आलू उबलने के लिए रख देते हैं। तो आलू उबलने के लिए मैंने रख दिए थे और अब मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर झाड़ू लगा रही हूँ और बारिश की वजह से देखिए सब जगह हालत ख़राब है। तो चलिए अब जल्दी से यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू तो लग चुका है और गोबर भर के मैंने रख दिया था, तो अब गोबर डालेंगे। तो गोबर भी मैंने डाल दिया है और देखिए गाय भैंसें चारा भी खाने लगीं। तो बाहर का काम करके अब मैं आ गई हूँ अंदर। तो पतीली में लेटी लगाएंगे, मट्ठे के आलू बनाएंगे। आलू तो उबलने के लिए मैंने गैस पर रख दिए थे कुकर में, तो आलू उबल चुके हैं। अब बनाएंगे मट्ठे के आलू और कचौड़ी भी बनाएंगे। तो देखिए चूल्हा मैंने बरामदे में रख लिया है क्योंकि बारिश होने लगती है, वैसे ही पूरा आंगन ख़राब सा हो गया तो वहाँ पे फिर अच्छा भी नहीं लगता खाना बनाने में, इसलिए। तो चलिए अब चूल्हा जलाएंगे और बनाएंगे मट्ठे के आलू। तो देखिए आलू भी मैश मम्मी ने कर दिए हैं। थोड़ी सी कचौड़ी बनाएंगे, थोड़े से मट्ठे के आलू,
तो देखिए पतीली में तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया है तो अब डालेंगे जीरा और ये डाल दी हरी मिर्च और ये हल्दी मैंने घोल ली तो अब हल्दी डाल देंगे। और मट्ठे के आलू किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है मट्ठे के आलू। तो देखिए ये मैंने डाल दिए आलू और अब डालेंगे पानी, फिर उसके बाद डालेंगे छाछ। तो देखिए ये है छाछ एक दिन पहले की, तो अब डालेंगे छाछ और मट्ठे के आलू, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस हैं। और ये डालनी लाल मिर्च, नमक अभी नहीं डालेंगे, जब आलू में उबाल आ जाएगा उसके बाद डालेंगे, गरम मसाला धनिया भी बाद में ही डालेंगे। तो आलू पक रहे हैं तब तक मैं दाल पीस लूँगी। तो ये मूंग की दाल मैंने सुबह डाली थी भिगोने के लिए, तो अब बनाएंगे मंगौड़े, तो चलिए पीस लेती हूँ और तब तक सब्जी भी पक जाएगी। तो देखिए दाल तो पीस ली है, अब नमक मिर्च पीस लेंगे कचौड़ी के लिए, मंगौड़े के लिए। तो ये मैंने हरी मिर्च ले ली और डालेंगे नमक और जीरा हींग। तो देखिए आलू में भी उबाल आ चुका है, तो ये मैंने डाल दिया नमक और ये काला नमक थोड़ा सा और ये गरम मसाला और धनिया पाउडर। तो आलूओं को थोड़ी देर और पकाएंगे। तो देखिए ये मैंने नमक मिर्च पीसा था तो ये मैंने डाल दिया, दाल पीस ली और ये डालेंगे लहसुन, लहसुन बहुत अच्छा लगता है मंगौड़ों में, और ये लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, तो अब मिला लेंगे। तो दाल में तो नमक मिर्च मैंने मिला दिया, अब ये कचौड़ी के लिए आलू, तो ये मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और ये नमक मिर्च पीसा था वो डाल दिया। अब डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला। तो देखिए आलू में भी मैंने नमक मिर्च मिला लिया है और दाल में भी, और आटा भी मम्मी लगा दिया है और सब्जी भी बन चुकी है मट्ठे के आलू। तो अब बनाएंगे मंगौड़े, देखिए चूल्हा भी जल चुका है और बनाएंगे कचौड़ी। आ रहा है पानी निकाल तो पूरा हो, मेरे को निकाल तो आ रहा है लाल लाल।
तो खा लीजिए सभी लोग। मेवाड़े बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बने हैं, देखिए। तो मेवाड़े तो बन चुके हैं, अब मैं बना रही हूँ कचौड़ी और अंधेरा भी होने लगा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो आ जाइए सभी लोग, खा लीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी। तो गाइस काफ़ी अंधेरा हो चुका है और टाइम भी बहुत हो गया, 9 बज गए। तो अभी मुझे ब्लॉग डालना भी है, अपलोड भी करना है और आज ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया। जिस दिन ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाता उस दिन मुझे और भी टेंशन होती है, इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ, वैसे लेट तो बहुत हो गया। तो देखिए अभी भाई लेटे और टीवी देख रहे हैं, मैंने खाना भी नहीं खाया है, ब्लॉग अपलोड करने के बाद खाऊंगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ब्लॉग आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।